नाजरीन, अगर आप लोग दुबई या किसी और मुल्क की जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको विजिट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अब तक की ताज़ा अपडेट की जानिब। जेली वीज़ा रखने वाले शख्स को गैर कानूनी तौर पर सफ़र करने की कोशिश पर जेल भेज दिया गया, इसे 1 माह कैद की सजा दी गई। दुबई पुलिस ने एक 32 साल एशियाई शख्स को जेली वीज़ा के जरिए कनाडा जाने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिम को 1 माह के लिए जेल की सजा सुनाई गई है, जो पूरी करने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जब एक खसूसी बच्चे ने पुलिस अफसर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो क्या हुआ? पुलिस के फरखदलाना इकदाम पर बच्चे के वालिद ने शुक्रिया अदा किया। दुबई पुलिस ने खसूसी बच्चे की पुलिस अहलकार बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी। लड़के के वालिद ने पुलिस से रابطہ करते हुए अपने बेटे की पुलिस अहलकार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर पुलिस ने इजाज़त देते हुए लड़के को 1 दिन के लिए अपना ख्वाब पूरा करने का मौका दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई पुलिस इस साल 6.5 मिलियन दिरहम की खती रकम के साथ मुख्तलिफ इस्लाही इदारों के तआवुन से कैदियों की मदद करेगी। दुबई पुलिस की सज़ा और इस्लाही इदारों के जनरल डिपार्टमेंट ने 2022 में कैदियों को 6.5 मिलियन की माली इमदाद की पेशकश की है। इस प्रोग्राम में कैदियों के खानदानों को माहाना अलाउंस देना, ट्यूशन और रिहाइश के किराए की अदायगी, इलाज मुआवजे के अखराजात को पूरा करना, कर्जों और खून की रकम का तस्फिया, सफरी टिकट फ्राहम करना और रमज़ान और ईद जैसे ख़ास मौके पर कैदियों के अखराजात को पूरा करना शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आज नवंबर के लिए ईंधन की कीमतों का ऐलान होगा। पिछले 3 महीनों से कीमतों में मुसलसल कमी की गई। मुतहदा अरब अमारात आज या कल नवंबर के महीने के लिए अपनी ईंधन की कीमतों का ऐलान करेगा, जो आलमी ईंधन की कीमतों के मुताबिक तय की जाएगी। जून में पेट्रोल की कीमतें पहली बार 4 दिरहम के निशान को अबूर कर गई थी और जुलाई में मुल्क में इस वक्त तक पहुँच गई जब सुपर 98 की कीमत 1.63 दिरहम फी लीटर थी। ये फरवरी में रूस और यूक्रेन के तनाजे की वजह से तय हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमतों से मुतालिक अहम मालूमात, कैसे यकीनी बनाएं कि आपको दिया गया ऑफर लेटर असली है या नकली। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमतों से मुतालिक सबसे अहम समझने वाले दस्तावेज़ यानी ऑफर लेटर से मुतालिक मालूमात के लिए एक रीडर ने सवाल पूछा है, जिसका जवाब आप सबके लिए काफ़ी मुफीद हो सकता है। मैं भारत में मुकीम हूँ और मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद दुबई की एक कंपनी से ऑफर लेटर मौसूल हुआ, लेकिन मैं ये कैसे यकीन करूँ कि ऑफर लेटर असली है या नहीं। आपके सवालात को देखकर ये फ़र्ज़ किया जाता है कि आपको दुबई में वाकई में लैंड कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर मौसूल हुआ है। ऐसे में वर्क परमिट, जॉब ऑफिसर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के फार्मर्स के बारे में 2022 के वजारती फरमान नंबर 46 की दफ़ात और 2022 के इंतजामी करारदाद नंबर 38/2022 के वजारत के गाइडलाइंस को नाफिज करने से मुतालिक 2022 का नंबर 46 वर्क परमिट, ऑफ़र लेटर्स और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स लागू हैं। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।